बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद विकास। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने चले हैं वो जो हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन, 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10, जो कि टेक्निकली फर्स्ट चैप्टर है। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, what do you know about the oscillation? और आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसी ऑसिलेशन को एक नाम दिया था वाइब्रेशन का। बेटा क्या नाम दिया था? वाइब्रेशन का। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पॉइंट, इट्स सेंटर पॉइंट की इट गिव मीन टू एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन। सेंटर पॉइंट के गिर्द बॉडी का रोटेट करना टूवर्ड्स बैक एंड फॉरवर्ड, ठीक है। दिस मस्ट बी नाउन इज वाइब्रेशन। बेटा लव्स यहां पर नेक्स्ट है डैम्प्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प्ड? अब इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप सपोज समझ लें कि यहां पर एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग अटैच है किसी भी मैसिव बॉडी के साथ जिसका मैस हमारे पास क्या है बेटा? एम है। अब विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जब एग्जीक्यूट करती है तो ये रोटेट करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स जमीन पोजीशन बेटा, ठीक है। अब जब ये रोटेट करता है बेटा, ठीक है, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आइडियल केस है, कौन सा केस है बेटा? आइडियल केस है, और आइडियल केस के अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स होती है, ये क्या होती है बेटा? रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन का। क्या नाम देते हैं बेटा हम इसको? फ्रिक्शन का। अगर वो खत्म कर दी जाए, क्या कर दी जाए बेटा? खत्म कर दी जाए, तो ये ऐसे ही रोटेट करता रहेगा बेटा। लेकिन अगर आइडियल केस ना हो बेटा, तो क्या होगा? इसकी जो मोशन होगी वो ऐसे ऐसे होते 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 क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, और एट अ टाइम, एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा। अब डैम्प से मुराद इसकी जो एम्पलीट्यूड था बेटा विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम बेटा, वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। अब ये जो डिक्रीजमेंट इन एम्पलीट्यूड है बेटा, ये क्या कहलाता है हमारे पास? डैम्प्ड कहलाता है। शाबाश, क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? डैम्प्ड। चले इसको समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। आप सपोज समझ लें ये हमारे पास बेल है, ठीक है, मंदिर वगैरह में लगी होती है। अब ये बेल है, जब इसको हम बजाते हैं बेटा तो ये ऐसे मूव करता है बेटा। अगर रेजिस्टिव फोर्स पाई जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टॉप करते 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 स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड था वो रुक गया, खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया। दिस प्रोसेस मस्ट बी नॉन बेटा क्या? डैम्पिंग, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कहता है द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ऑसिलेट करे बॉडी लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स बेटा। और यहां पर मैंने रेजिस्टिव फोर्स एक नाम दिया बेटा किसी का? फ्रिक्शन का। आइडियल केस के अंदर ये फ्रिक्शन नहीं होती, विदाउट आइडियल केस रेजिस्टेंस एग्जीक्यूट करती है बेटा, ठीक है। यहां पर बेटा ये देखें, मैंने ये बनाया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान हम ग्राफ बनाएं, तो ये देखें ग्राफ शो करवा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। पहले इधर था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम, ऐसा होते होते हमारे पास बॉडी क्या होगी बेटा? स्टॉप हो गई। अब ये जो होल प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है हमारे पास? क्या कहलाता है जी? ये डंपिंग कहलाता है। एक एग्जांपल बेटा यहां पर है कि हमने बेल भी पढ़ लिया, स्प्रिंग भी पढ़ लिया। यहां पर एक शॉक अब्सॉर्बर बेटा आपकी बुक के अंदर दी हुई है, शॉक अब्सॉर्बर क्या होता है बेटा? इस तरह से शॉक का मतलब क्या होता है? झटका। अब्सॉर्बर क्या होता है? जल्द कर लेना। अक्सर ये शॉक अब्सॉर्बर बेटा ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है, जिस तरह से कार है, व्हीकल्स हैं, जिसमें हमारे पास बसेस हैं, ट्रेन हैं, इनके अंदर होता है। असल में इसके ऊपर एक पिस्टन होता है और पिस्टन के नीचे सारा ऑयल होता है, ठीक है, और ये गाड़ी के साथ जुड़ा होता है।
ठीक है। आपने अक्सर देखा रखा होगा जो लग्जरीज हमारे पास गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जंप बहुत कम लगता है, तो ये बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर होता है जो उसकी ओसिलेशन को कम कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे लिए यहाँ पर भी एज अ डैम्पिंग इस्तेमाल हो रही है। तो ये होल प्रोसेस बेटा एज अ क्या कहलाता है हमारे पास, डैम्प्ड ओसिलेशन कहलाता है, जो 10.2 था बेटा हमारे पास टाइटल। होपफुली बेटा आपको इन टॉपिक की क्लियर समझ आती होगी, और ये इस टॉपिक हवाले से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में पूछिएगा बेटा, ठीक है। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक लास्ट में पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।